एबीपीएस न्यूज सच का साथी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी के एक बयान पर दिया एक महिला शिक्षा मित्र ने करारा जवाब। शायद मुख्यमंत्री योगी के पास नहीं है इस महिला शिक्षा मित्र के सवालों का जवाब। हम लोग तो चाहते थे कि 18,500 सभी पास हो जाएं। एक बार में कम से कम इतने शिक्षक हम प्रदेश के अंदर भेजे नहीं पास हो पाए। मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मुख्यमंत्री जी, मैंने आपका आज भाषण सुना जो आपने बोला था, जो है अभी नियुक्ति पत्र बांटते समय, कि हम तो 68,500 पे नियुक्ति सभी को देना चाहते थे। गलत बोला आपने बिल्कुल। आप ही तो नहीं चाहते थे। अगर आप चाहते तो सबको नियुक्ति मिलती, तभी तो 20 दिन पहले आपने आके इस तरीके का बयान दिया। और देखो मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपसे ये नहीं कह रही कि आप जॉब दो या 30-33 घटा दो, बस मुझे ये बता दो कि वो 20 दिन पहले आके जो आपने सांग रचाया था वो क्या था, वो कौन लोग थे जो आपके पैरों में जाकर गिरे थे कि 30-33 कर दो। मुख्यमंत्री जी क्यों आए आप उनके कहने में, जब पहले ही 67 का आदेश आ चुका था तो, और उसके बाद आप फिर वही वाली बात कह दी आपने, दिल दुखाने वाली बात आप बार बार कह चले जा रहे हो हैं। और क्या कह रहे हो आप, 30-33 आपके कट ऑफ के हिसाब से सब बच्चे पास थे, जो आप कह रहे अभी कहा आपने 6,000 लोग जो थे उनके वो जो है योग्य थे, वो नियुक्ति पत्र से वंचित रह रहे थे। अच्छा करा आपने उन्हें दे दिया, हम कब मना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो 41,555 पास हुए पहले उन्हें दो। और फिर आपने क्या बात कही है कि पीछे से वो भी आ गए जो फेल थे। आपके मुंह से बहुत अच्छी लग रही है ना ये वाली बात, आपके हिसाब से तो बिल्कुल भी फेल नहीं थे। 30-33 कट ऑफ आपने करी थी, मुझे उस कट ऑफ का मतलब समझा दीजिए। मुझे एक मुख्यमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखते हुए उस कट ऑफ का मतलब समझा दीजिए। आपसे मैं पिछले 3 दिन से सिर्फ ये बात पूछ रही हूँ, और किस बेसिक शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं आप हैं? उस बेसिक शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं आप, जिस पर कॉपी भी चेक करवानी नहीं आती। किस पे कॉपी चेक करवाई, सोनिका जी की कॉपी में भी इतने नंबर कम आए थे, नंबर कम आए उन्होंने जो है कोर्ट में जाकर रिट डाली और जो है उनका काम हो गया, चुपचाप आपने काउंसलिंग करवा दी। आज अर्पित भाई हैं, उनकी कॉपी में भी नंबर इतने कम आए, 122 नंबर आ रहे थे और 22 नंबर आपने उन्हें दे रखे थे हैं। आज उनकी भी काउंसलिंग चुपचाप करा दी। किस बेसिक शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं आप, परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं सुत्ता मैडम, उनको तो मैं लेट कर दंडवत प्रणाम करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री जी इतनी नायाब अदाकारा है वे, पुरानी जनक कहाँ कहाँ से तो कॉपी उठा कर ले जाती है। कोर्ट ने फटकार लगाई उनकी कि जो है आपकी कॉपी भी मैच निकाल रही, कहाँ से आप कॉपी उठा लाई। और आपने आज फिर से योग्य बता दिए सारे बच्चे, आप अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकार कर रहे, सामने से आके क्यों करी आपने 30-33 कट ऑफ, किसके कहने में आए आप, जब कहाँ चले गए था आपका सोचने का नजरिया, कहाँ चली गई थी सरकार की नीति, आपकी नीति है तो खुद की अच्छी नहीं है और बच्चों में कमियां निकाल रहे हो। आगे कोई एग्जाम तो हम जरूर देंगे, लेकिन जो भी बात है अपने मन की अब तो वो कह के रहेंगे। आप बार बार बच्चों को ब्लेम कर रहे हो, बार बार बच्चों को ब्लेम कर रहे हो, और क्या कही आपने कि रेबड़ी बांटने का काम सुपर सरकार में होता है, रेबड़ी तो सुपर सरकार सिखा लेंगे। लेकिन इस बात का जवाब तो दे दो कि 30-33 कट ऑफ की जो नीति थी आपकी, या आपकी सोची समझी प्लानिंग थी क्या थी। आप बीजेपी की गवर्नमेंट में होता ही है आप लोग, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह सब कुछ होगा, और आप ब्लेम करेंगे बच्चों को कि हमारे पास जॉब तो है, हमने जॉब तो निकाली लेकिन योग्य शिक्षक ही नहीं, योग्य बच्चे ही नहीं है जो कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर सके। ये बात कहने के लिए तो आपने 20 दिन पहले आकर ये सब तमाशा करा, सांग रचाया है। और क्या मेरा बोलना किसी को बुरा लग रहा है, कमेंट में भी पढ़ती हूँ मैं, मेरा बोलना किसी को बुरा लग रहा है क्या, जब स्मृति ईरानी इंटर पास होकर बोल सकती है, योगी महोदय कितने पढ़े लिखे हैं, मोदी महोदय कितने पढ़े लिखे हैं, जब ये सब लोग बोल सकते हैं इतने कम कम उम्र के कम कम पढ़े लिखे नेता, तो हम लोग पढ़े लिखे होकर अपनी बात शेयर नहीं कर सकते क्या। अगर किसी को मेरी पोस्ट बुरी लग रही हो या मेरा बोलना बुरा लग रहा हो तो मोबाइल सबके हाथों में है, मोबाइल उठाओ और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनवाओ। क्यों नहीं गिनवाते हैं, गलत बात है बिल्कुल। बच्चों को ब्लेम करे चले जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद पर बैठ के, और ये बात कहने वाला कोई नहीं है कि 20 दिन पहले आपने क्या बयानबाजी करी थी, चल 30-33 कट ऑफ के हिसाब से कि चलो भाई बच्चे पास हो जाएंगे। क्या तरीका है ये, क्या तरीके बना रखे हैं, दीदी तो नहीं है खुद की अच्छी, और बेसिक शिक्षा विभाग, किस बेसिक शिक्षा विभाग की बात कर रहे हो आप, कोई काम भी ढंग का ना है बेसिक शिक्षा विभाग का, 2,000 रुपए लेकर जमा करवा रखे हैं, किस बच्चे की कॉपी घर भिजवा दी।
कॉपी, किसी बच्चे की कॉपी ना भिजवाई है। जो बेचारा कोर्ट लेकर पहुंच जाता है अपनी कॉपी, उसका काम हो जाता है। जो बेचारा घर पे बैठा हुआ है जिसमें नहीं है फुर्सत जाने की, उसका काम ही नहीं होता। दो तीन बातें आपने फिर आज गलत कह दी। मुख्यमंत्री हो आप, मैं आपसे परसों से ये बात कह चली जा रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी आप अपनी बात को स्वीकार क्यों नहीं करते, बात को स्वीकार क्यों नहीं करते? और कौन बच्चे पढ़े हैं लखनऊ में? और ये क्या कह रहे थे आप अभी कल लखनऊ में? ऐसा धरने हम रोज देखते हैं, जितने आपके शासनकाल में धरने हो रहे हैं ना, इतने ना हुआ किसी के शासनकाल में भी। और जैसे आपके शासनकाल में 500 औरतें, अरे कब मुड़वाती हैं फिर अपना औरतें, कब मुड़वाती हैं बताइए? जिसका पति मर जाता है जब फिर मुड़वाती हैं? आपके शासनकाल में शिक्षा मित्रों ने फिर मुड़वा लिया। खैर, शिक्षा मित्रों को लेकर तो आपकी सोच ही बहुत बेकार है। शिक्षा मित्रों को लेकर तो आपने सोच ये रखा है कि शिक्षा मित्रों के जन्मदाता अखिलेश यादव है। नहीं, शिक्षा मित्रों के जन्मदाता बीजेपी के कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने लगाए थे शिक्षा मित्र, उनके थे देन शिक्षा मित्र। क्यों लगाए थे अयोग्य शिक्षा मित्र? 10 साल पढ़वा के, 12-12 साल पढ़वा के अब शिक्षा मित्र अयोग्य हो गए। अब कैसा योग्य हो गए शिक्षा मित्र है? और आज आपने फिर सब वही बात कह दी। आप फुकती हुई बात मार रहे हो, जब भी मार रहे हो ये नहीं देख रहे कि जब मैं कहना, मैं जवान जवान बच्चे सरकारों पढ़े हैं, 28 तारीख से धरना दे रहे हैं, 30 तारीख कट ऑफ के लिए, दिखाई नहीं देता आपको बिल्कुल भी? नियुक्ति पत्र बांट जाते, चुपचाप बांट लेते, ये सब कहने की क्या जरूरत पड़ रही थी आपको? लोकतंत्र है, बांटूंगी, बिल्कुल बांटूंगी। पद से हटा दो, शिक्षा मित्र की नौकरी से हटा दो, जो आपके मन में वो कर लो। है मानदेय पर ड्राइवर रखा जाता है, कंडक्टर रखा जाता है मानदेय पर, उसके बाद जब ड्राइवर कंडक्टर 10 साल बाद या 12 साल बाद ये कहे कि सर हमें पक्का कर दो, हमने अपनी जीवन के आधे साल इस ड्राइवरी की नौकरी में बर्बाद कर दिए, तो आप उससे रोकोगे? चल भैया गाड़ी चला के दिखाओ, जब जब पक्का करेंगे। तो इसका मतलब आप 10 साल से क्या करवा रहे थे उससे? है आज 15-15 साल पढ़वा के जब शिक्षा मित्र के पढ़ाए हुए बच्चे योग्य हो गए, तो शिक्षा मित्र अयोग्य हो गए आपके लिए? है मैं लगातार परसों से ये बात आपसे कहती चली आ रही हूँ 3 दिन से। मुख्यमंत्री जी अपनी बात पर ध्यान कीजिए, मुख्यमंत्री जी अपनी बात पर ध्यान कीजिए। हम तो नहीं कहते आपके पैरों में गिरना है कि 30-30 का ड्रॉप करो। पूरी मानसिकता बदल दिया आपने, पढ़ाई का पढ़ने का नजरिया बदल दिया आपने। उसके बाद में चुप होकर नियुक्ति पत्र बांट लो, कौन सी आफत आ गई? आगे वो वैकेंसी निकलेगी, हम भी पढ़ेंगे, मेहनत से पेपर दे देंगे। कम से कम इस तरीके की बयानबाजी तो मत करो। है अब बात का मतलब सही बात यह है, बीजेपी के नेताओं को बोलने की बिल्कुल बोरी नहीं है, जो मन में आ रहा है वो बक रहे हैं। देखिए घमंड इतना कीजिए जितना चल जाए। और क्या कह रहे हैं सपा सरकार न बढ़ती थी रेबड़ी, रेबड़ी तो सपा सरकार से ये नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर वोट आपको दिया है, दो बातें तो आपको भी जरूर करनी है बैठ के। गलत बात है मुख्यमंत्री जी आपकी, बिल्कुल गलत बात है। बच्चे सड़कों पर पढ़े हैं 28 तारीख से, आप उन बच्चों को अयोग्य बता रहे हो? आपकी वजह से अयोग्य है वो बच्चे, आपकी वजह से उनके नंबर कम हुए हैं। कौन सा है बेसिक शिक्षा का अधिकारी योग्य बताइए? कौन सा है जिसका कॉपी भी ना चेक हुई हो, उन्हें आप योग्य बता रहे हैं? उन्हें आप ये कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा के अधिकारियों ने फौरन जो है नियुक्ति पत्र लेटर इशू कर दिए हैं, जिन्हें यह भी आकलन करना नहीं आता कि कितने बच्चे जनरल के हैं, कितने बच्चे एससी के हैं, कितने बच्चे बीसी के हैं? कैसे हुए 6,000 बच्चे बाहर? किसी कमी से हुए 6,000 बच्चे बाहर? बेसिक शिक्षा परिषद की वजह से हुए 6,000 बच्चे बाहर? उस बेसिक शिक्षा परिषद की आप तारीफ कर रहे हैं, पूरा तंत्र भ्रष्ट है। आप बिल्कुल सही कहा था अग्निहोत्री साहब ने, अमिताभ अग्निहोत्री साहब ने, पूरा तंत्र ही भ्रष्ट है। हाँ तंत्र ही भ्रष्ट है पूरा। अब नौकरी लगे न लगे, और बिल्कुल चाहे 1,72,000 शिक्षा मित्रों से जितने पास हो गए उन्हें तो मैं कहती नहीं, उनको तो मेरा कोई जोर नहीं है, लेकिन जो अभी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, कमर कस लेना बिल्कुल, एक एक आदमी 10-10 वोट लेकर मरना, और जहां मन करे वहां वोट देना। और जिस अखिलेश यादव को ये कह रहे हैं ना अखिलेश यादव ने रेबड़ी बांटी, हाँ अखिलेश यादव से लेंगे रेबड़ी। कल मैंने आपको बताया मैं आरएसएस की हूँ, मैंने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब मैं बोल क्या कहती हूँ, मैं बिल्कुल सपा को वोट दूंगी, बिल्कुल अखिलेश यादव से रेबड़ी लेनी है। आप जो आपका होगा आप कर लेना, जो हमका होगा वो हम कर लेंगे। निकलवा देना मेरा नाम स्कूल से, फेंकवा देना आप, है मुख्यमंत्री पद ना पद की गरिमा नहीं आपके लिए मान्य रख रही बिल्कुल भी। और आप क्या करें लखनऊ में, ऐसे हम रोज देखते हैं किसी एक कार्यकाल में ना हुए इतने तमाशे जितने आपके कार्यकाल में हो रहे हैं। बच्चे बेचारे सड़कों पर पिट रहे हैं, बच्चे बेचारे सड़कों पर पड़े, अपना घर छोड़ा 28 तारीख से पड़े हैं वो बच्चे, 30 तारीख आपके मारे हुए हैं वो बच्चे, आपके मारे हुए घूम रहे हैं। है आपने तो पहले से पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि मैं इस तरीके से 20 दिन पहले आके कह दूंगा बच्चे फेल हो जाएंगे, और फिर हम बाद में ये बात कहेंगे कि हमने तो वैकेंसी निकाली योग्य बच्चे ही नहीं थे। है क्या तरीके बना रखे हैं आपने? है कोई तरीका नहीं है ये। और प्लीज मेरी पोस्ट का कमेंट बोकर जिनके अंदर हिम्मत हो लोकतंत्र में खिलाफ के खिलाफ बोलने की, गलत सिस्टम के खिलाफ बोलने की, प्लीज मेरी पोस्ट पर कमेंट बोलो, बिल्कुल ना करें। जिनके अंदर हिम्मत नहीं है सिर्फ कमेंट बाजी करना चाहिए।
जानते हैं, दुखी कर दिया बिल्कुल इस योगी सरकार ने। पहले शिक्षा मित्र को अयोग्य बता दिया, 16-16, 17-17 साल हमारे साथ के एक मास्टर साहब है बेचारे, इतने बुजुर्ग मास्टर साहब है, उन्होंने भी कितने एग्जाम की तैयारी करी, कितनी मेहनत से एग्जाम दिया है उन्होंने है। जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों के योग्य हो गए, तब हम अयोग्य हो गए है। पूरा तंत्री भ्रष्ट है, क्यों करे थे अयोग शिक्षा मित्र भाई, जब जो ना लिए बीटीसी पास, क्यों लिए थे इंटर पास है, अब उनसे एग्जाम दिलवाए जा रहे हो, और वो भी एक एक नहीं दो दो एग्जाम, और उसमें भी कोई सहूलियत नहीं। बेहतर से शिक्षा मित्र पास हो गए, कौन से झंडे गाड़ दिए है। शिक्षा मित्र को तो अगर कम भरा अंक ना देते तब भी पास होते शिक्षा मित्र, और जब सारे काम करने कोर्ट कचहरी को है तो कोर्ट कचहरी को खुलते तो ये शिक्षा विभाग और ये सब चीजें क्यों अपने हाथ में रखते हो, जब आपसे कुछ होता नहीं तो क्यों करते हो, क्यों बनाए हैं ये सारे विभाग। हर भर्ती तो पहुंच रही है आपकी कोर्ट में, हर भर्ती तो पहुंच रही है आपकी कोर्ट में, कॉपियां भी आपकी कोर्ट में चेक हो रही हैं, क्या तरीके बना रखे हैं, किस बेसिक शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं आप। प्लीज मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे फिर निवेदन कर रही हूँ कि आप कोई भी बयानबाजी फिर से इस तरीके की ना करें, प्लीज ना करें, ना करें, ना करें, आप प्लीज स्टेटस कट ऑफ करें या ना करें, इस तरीके की बयानबाजी ना करें। जी दुखता है बच्चों का, बच्चे 28 तारीख से पड़े हुए हैं लखनऊ में, 28 तारीख से पड़े हुए हैं, सुन ले आप कान खोल के मेरी बात, और अपने अधिकार मांगना कोई गलत बात नहीं होती। जो आप कह रहे हैं ऐसे कार्यक्रम तो हम रोज देखते हैं, मानसिकता है, मानसिकता किसकी खराब है, आपकी भी बहुत तारीफ सुनी थी मैंने कि योगी महोदय की ऐसी आदत है, जो एक बार कह दिया वो करके दिखाते हैं। क्या कह दिया आपने और क्या करके दिखा दिया, एक भी काम करवा दीजिए मुझे, कौन सी भर्ती निकाली आपने, पहली भर्ती निकाली उसमें भी सांग हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, उसमें भी रोज रोज नए नए सांग हो रहे हैं। कौन सी भर्ती अच्छी कर दिया आपने, बच्चों को जिले तक तो सही से देना, आज ही पढ़ा मैंने, आज ही सुनने में आया कि बाबुओं ने 1-1 लाख रुपए और 50-50 हजार रुपए लेकर जब जिला आवंटित करे है। किस बेसिक शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं हम, पूरा शिक्षा विभाग भ्रष्ट है, पूरा पूरी न्याय व्यवस्था हिलाकर फेंक दी बीजेपी की सरकार ने है। एबीपीएस न्यूज, सच का साथी।